डायरेक्टर ने सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखी, फिर उसने अपने आसपास के सब एक्टर्स को देखा, उनका काम देखा, मेरा काम देखा, मुझे बुलाया, मुझे नरेशन दिया और मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। फिर उसके बाद एक तारीख आई जब हम फ्लोर पे गए, जब फ्लोर पे गए तो उन्होंने अपने डायरेक्शन का जौहर दिखाया, उस जौहर को दिखाते दिखाते मुझे महसूस हुआ कि मैं इसका हिस्सा बन चुका हूँ मैजिकली। और बस ये एक प्रोसेस थी, होती है, और इसको हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। मैं हमेशा से चाहता था एक ऐसी डिफरेंट कंसेप्ट कॉमेडी आए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट। और ऑब्वियसली मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं एक पूरी मूवी जज करूँ या एक पूरा किसी डायरेक्टर को जज करूँ, बट मुझे उनकी नेचर बहुत अच्छी लगी, उनका जो क्लैरिटी थी उनके काम में, उनके काम करने के अंदाज़ में बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो बहुत अंदर से आवाज़ आई चलो करते हैं। ये फिल्म में कोई शार्क नहीं है, ये फिल्म में हमारी बड़ी प्यारी सी मछली है जिसका नाम है मिष्टी। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस फिल्म की हीरोइन है मिष्टी, और इस फिल्म के हीरो जो हैं वो है सुधा मिश्रा का घर। उस घर में कई किरदार आते हैं और अपनी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जब वो घर खाली हो जाता है, सुधा मिश्रा एक महीने के लिए चली जाती है, और सुधा मिश्रा का रोल प्ले कर रही है नन अदर देन डिम्पल कपाड़िया जी। तो सबसे बड़ी एडवांटेज इस फिल्म की यह है कि एक बहुत ही फ़नी स्क्रिप्ट थी जिसको एक बहुत ही फ़नी फिल्म के रूप में गुरु ने बनाया, और डिम्पल कपाड़िया के साथ काम करने का मौका मिला हमको इसमें। इसका बहुत अच्छा सॉन्ग है बाबे मस्त, सूरज अस्त तो बाबे मस्त, जब सनसेट होता है तो सारे मस्त हो जाते हैं, दोनों पार्टी करते हैं, पैक शेक मारते हैं, फुल ऑन मस्ती करते हैं। उसके ऊपर है न्यू ईयर आ रही है, न्यू ईयर आ रहा है, तो ऊपर से ये तो सोने पे सुहागा है। एक बड़ा ही यंग गाना है जिसका नाम है लाइफ की गोटी जाम है, एक बड़ा एक रॉक नंबर है, एक ठुमरी और डबस्टेप का मिक्स गाना है, कोई ना जाने नाम का। और इसके अलावा मेरा एक बहुत ही चहिता गाना यह है जिसका नाम है कि साड़ी हॉपी हॉबी झपियाँ पानी, और बहुत ही ब्रिलियंट बीट्स वाला गाना है। मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो पे और आपके चैनल्स पे ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर होने वाला है गाना आने वाले दिनों में, जितना बाबे मस्त हुआ है शायद उससे ज़्यादा फेमस हो जाए। सूरज है, अस्त होगा ही, लोग भी मस्त होंगे ही, और फिर क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो सबको बहुत मस्ती मारने का मौका मिलेगा। और जब जब मस्ती मारेंगे लोग, इस कहानी के अंदर एक जो ह्यूमरस हॉरर छुपा हुआ है, एक टेरर छुपा हुआ है, एक सस्पेंस छुपा हुआ है, वो उसको याद कर करके पार्टी में थोड़ा ध्यान रखेंगे अपना कि क्या है।